आपका टीचर खुर्रम शहजाद, आप सबका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। आज का टॉपिक है ऑप्टिकल ड्राइव। ऑप्टिकल ड्राइव हम सीडी रोम को कहते हैं, और ऑप्टिकल ड्राइव इसको इस वजह से कहा जाता है कि ये सीडी से रेस के थ्रू डेटा को रीड करके हमें शो करवाता है। ऑप्टिकल ड्राइव को रीड ऑनली मेमोरी भी कहा जाता है। ऑप्टिकल ड्राइव का जो इंटरफेस है वो दो तरह का होता है, नंबर वन आईडी एंड नंबर टू साटा। आईडी स्टैंड फॉर इंटेलिजेंट ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक एंड साटा सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। आईडी सीडी रोम अब यूज़ नहीं होती है, अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ साटा इंटरफेस में ऑप्टिकल ड्राइव या सीडी रोम आता है। देखिए, ये आपके पास सीडी रोम है, और अगर मैं इसके इंटरफेस की आपको बात बताऊं तो ये देखें, ये इसकी आईडी पोर्ट है, यानी कि इसका इंटरफेस जो है वो आपके पास आईडी कनेक्टर है। यहाँ पर मदरबोर्ड से मदरबोर्ड के कनेक्टर और सीडी रोम के कनेक्टर के बिटवीन जो केबल यूज़ होती है वो इसी आईडी पोर्ट कनेक्टर पर यूज़ होती है। जबकि पावर सप्लाई में से ये 4 पिन का डी टाइप कनेक्टर आता है, और जो कि आपके ऑप्टिकल ड्राइव यानी कि सीडी रोम को पावर देता है। आईडी ड्राइव की जो टोटल पिंस होती हैं वो होती हैं 40 पिंस, यानी कि ये 40 पिंस का कनेक्टर होता है। तो ये आपके पास साटा सीडी रोम है, ये साटा सीडी रोम का कनेक्टर है। इसमें ये जो 7 पिंस का कनेक्टर है ये इसका इंटरफेस कनेक्टर है, और ये 15 पिंस का इसका पावर कनेक्टर है। तो ये दो तरह का इंटरफेस आता है। आईडी इंटरफेस अब नहीं आता है, अब सिर्फ और सिर्फ आपके पास साटा इंटरफेस ही आता है। तो इसमें सबसे पहले आपके पास आता है सीडी रोम। सीडी स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। सीडी रोम में आप नॉर्मल सीडी का जो डेटा है वो रीड कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। अगर मैं सीडीज़ की बात करूं तो देखें, दो तरह की हमारे पास सीडीज़ आती हैं, एक आती है नॉर्मल सीडी और एक आती है डीवीडी सीडी। ठीक है, नॉर्मल सीडी की जो कैपेसिटी होती है वो 700 MB होती है, जबकि डीवीडी सीडी की जो कैपेसिटी होती है वो 4.7 GB होती है। तो अगर आपके पास डीवीडी है तो वो आप नॉर्मल सीडी रोम पे नहीं चला सकते हैं। नॉर्मल सीडी रोम पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ सीडी ही यूज़ होती है। इसके बाद आपके पास सेकंड टाइप आती है डीवीडी रोम। डीवीडी स्टैंड फॉर डबल वीडियो डिस्क रीड ओनली मेमोरी। देखिए, डीवीडी रोम में हम नॉर्मल सीडीज़ को भी चला सकते हैं, यानी कि नॉर्मल सीडी का भी डेटा देख सकते हैं, और उसके साथ साथ डीवीडी सीडी को भी चला सकते हैं, डीवीडी सीडी का भी डेटा देख सकते हैं। इसके बाद इसमें टाइप नंबर 3 आती है, सीडी राइटर, यानी कि CDRW। देखिए, सीडी राइटर जो है इसमें हमारे पास नॉर्मल सीडी को, नॉर्मल सीडी का जो डेटा है उसको व्यू कर सकते हैं, और उसके साथ साथ नॉर्मल सीडीज़ के ऊपर डेटा को राइट एंड रीराइट कर सकते हैं। ठीक है, दो तरह की सीडीज़ आती हैं, CDR एंड CDRW। CDR राइटेबल सीडी, CDRW री राइटेबल सीडी। राइटेबल सीडी पर आप वन टाइम डेटा को राइट कर सकते हैं, अगर एक मरतबा डेटा को राइट कर दिया तो उसके बाद उस डेटा को डिलीट नहीं कर सकते हैं सीडी में से। लेकिन अगर आपके पास CDRW री राइटेबल सीडी है, आपने एक डेटा को कॉपी किया, इसके ऊपर राइट किया, लेकिन कुछ अर्से के बाद उस डेटा की ज़रूरत नहीं है, उस डेटा को रिमूव करके न्यू डेटा राइट करना चाहते हैं, तो आप इस सीडी के ऊपर डेटा को रीराइट भी कर सकते हैं। लेकिन ये सारे का सारा काम आप सीडी राइटर के ऊपर कर सकते हैं। सीडी राइटर पर आप नॉर्मल सीडीज़ को भी प्ले कर सकते हैं, उसके साथ साथ नॉर्मल सीडीज़ के ऊपर डेटा को राइट और रीराइट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आती है कॉम्बो ड्राइव। देखिए, कॉम्बो ड्राइव में सीडी रोम प्लस डीवीडी रोम प्लस
CDRW, ये जो थ्री टाइप्स आपने पढ़ी, नंबर वन सीडी रोम, डीवीडी रोम एंड नंबर थ्री सीडी राइटर, इन तीनों ड्राइव्स के ऑप्शन आपको एक ही ड्राइव में मिल जाते हैं, यानी कि कॉम्बो ड्राइव में। कॉम्बो ड्राइव में आप नॉर्मल सीडी भी चला सकते हैं, डीवीडी सीडी भी चला सकते हैं, और उसके साथ साथ नॉर्मल सीडीज के ऊपर डेटा को राइट और रीराइट भी कर सकते हैं। लास्ट टाइप आती है डीवीडी राइटर, इसे हम सुपर कॉम्बो भी कहते हैं, सुपर कॉम्बो ड्राइव। देखें, आप सुपर कॉम्बो यानी कि डीवीडी राइटर के ऊपर तमाम ड्राइव्स के काम ले सकते हैं। आप नॉर्मल सीडीज को भी चला सकते हैं, डीवीडी सीडी को भी चला सकते हैं, प्लस सीडी नॉर्मल सीडीज के ऊपर भी डेटा को राइट और रीराइट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ डीवीडी सीरीज के ऊपर भी डेटा को राइट और राइट कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास बहुत सारे, तो ये आपके पास जो, तो देखें अगर आपके पास सिर्फ, अब देखें नए कंप्यूटर्स में अब डीवीडी राइटर ही आता है, क्योंकि इसमें आपके पास ड्राइव्स के तमाम ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की बिल्कुल तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।